हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड, आज के इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं KVIC नई भर्ती 2019 के बारे में। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंस एग्जीक्यूटिव और अन्य पदों पर भर्ती का, जिसके लिए योग्यता है डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, बीई, बीटेक, एमएससी, बीएससी, MBA और CA के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2020 है और इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो है 108। तो फ्रेंड, इसी के बारे में आज आपको देंगे सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको दिखाएंगे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ताकि आप समझ सकें इसकी पूरी जानकारी को और भर सकें इस फॉर्म को। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो नोटिफिकेशन गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर में आता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी में भी आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है जो कि पूरी तरीके से ऑफिशियली है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन में आई हुई इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फॉर्म की शुरुआत 20 दिसंबर 2019 को कल 10 बजे से शुरू हो चुका है और आप इसके फॉर्म की भरने की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं रात के 12 बजे तक। साथ ही आपका इसका एक कंप्यूटर बेस्ड का एग्ज़ाम होगा जो कि फरवरी 2020 में आए होगा, ठीक है। तो आपका जब एग्ज़ाम होगा तो इसका आपको सिलेबस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका मार्च 2020 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू और ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी ऑफिशियली डेट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जारी किया हुआ, ठीक है। तो जो भी इसका अपडेट्स वगैरह आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, वो भी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर वैकेंसी के डिटेल्स की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूँ डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आपको जिसकी सैलरी मिलेगा वो आपका लेवल 6 का होगा और लेवल 5 का होगा। ग्रुप बी आपका लेवल 6 का होगा और ग्रुप सी लेवल 5 का होगा। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप बी के अंदर जो आपका पोस्ट कोड होगा वो आपका 21 है, ठीक है। यहाँ पे आपको जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म में, तो आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको 21 लगाना होगा, ठीक है। तो ग्रुप बी में 21 पोस्ट कोड है, वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी में 2 सीटें हैं, ठीक है, टोटल आपकी 2 सीटें हैं। और इसी में देखिए, ग्रुप सी में जो जिसका पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 5 होगा, उसमें 31 और 32 एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एग्जीक्यूटिव VI करके है, इसके अंदर OBC में 19 सीटें हैं, EWS में 7, अनरिजर्व में 30, टोटल हमारे पास 56 सीटें हैं। उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव खादी में 2 सीटें हैं OBC की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिजर्व की 4 हैं और टोटल आपके पास 6 सीटें हैं, ठीक। इस तरीके से अगर आप आगे देखें तो ग्रुप सी में आपकी और भी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देखिए, लेवल 4 का है और लेवल 2 का है, ठीक है, जो कि आपका सैलरी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है इसके अंदर। तो इस तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है 41, 42, और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट की वैकेंसी है ग्रुप सी में। तो टोटल वैकेंसी हमारे पास 108 वैकेंसी है फ्रेंड्स, मिला करके ऑल ओवर, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही इसमें कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 40% का फिजिकल डिसेबल होना चाहिए। अगर आप 40% से कम डिसेबिलिटी है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप अपना यहाँ पे जो भी डिसेबल पर्सन है वो आप अपना कैटेगरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 10% सीट जो है वो एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, ठीक है, बाकी सीटें आपका रिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए आएगा। तो अब हम बात करते हैं LGBT के साथ कितनी क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, मिनिमम कम से कम जो होगा वो 18 होगा और मैक्सिमम कम से कम 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो बात करें अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, जो कि आपकी ग्रुप बी के अंदर आती है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड आपका 21 है और इसमें मास्टर डिग्री मांगा हुआ है इन इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स कॉमर्स के साथ, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े बात करें ग्रुप सी की वैकेंसी का, तो फिर यहाँ पर देखिए
यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट 27 ईयर्स, ठीक है, 27 साल से ज़्यादा एक एनएस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पे लेवल आपका 5 होगा यहाँ पे सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है वो है विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा हुआ, ठीक है। या तो आपने बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या फिर बीटेक कर अपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर आपने किया हुआ है, साइंस के साथ भी अगर आपने बैचलर डिग्री किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है खादी, ये आपका पोस्ट कोड 32 है, यहाँ पर भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से किया तो, ठीक है, अगर आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फैशन टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी में लेवल 4 है, इसमें भी आपका 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यहाँ पर आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स मांगा हुआ, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सीए वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव एडमिन एंड एचआर का वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री अगर आपने किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है लेवल 2, इसका आपका पे लेवल होगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम एज लिमिट जो है कि वो 27 ईयर्स दिया हुआ है। असिस्टेंट की वैकेंसी है विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, और यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा हुआ है या फिर बैचलर ऑफ साइंस अगर आपने किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट कोड आपका 51 रहेगा, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए भी अब आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसका पोस्ट कोड देख लीजिएगा ध्यान से, और उसके लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए असिस्टेंट की वैकेंसी है खादी में, और असिस्टेंट की है ट्रेनिंग में, तो खादी की है 52 और 53 आपका असिस्टेंट ट्रेनिंग का होगा। दोनों में देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वाले के जो कैंडिडेट्स और फैशन टेक्नोलॉजी वाले वो इसमें भर सकते हैं 52 पोस्ट में। साथ ही यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ साइंस अगर आपने किया हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 53 पोस्ट के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सारी जानकारी ये पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करो, देखिए जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे उनको आपको 1,000 रुपये का एप्लीकेशन लगेगा, और इसमें बैंक चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, ठीक है। तो यानी कि 1,000 आपका फ़ी होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। पोस्टिंग जो होगी वो आपको KYIC इंडिया में ही होगा, खादी विलेज का जो है इसके अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, इंडिया के अंदर। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी आपका होगा, ये सारा जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात अगर मैं करूँ इसके एग्जामिनेशन की, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको टोटल मिला करके, यहाँ पे देखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम का सेम ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, ठीक है। उसी प्रकार जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और 35 क्वेश्चन होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 35 मार्क्स होंगे। साथ ही इंग्लिश जो होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मिलाकर 100 मार्क्स आपका पेपर होगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें आपको जो यहाँ पे देखिए इसमें जो भी कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, पेज, ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह कोई भी एग्जाम सेंटर पे लेकर के नहीं जाना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह आप अपने साथ रख सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम सिटी आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आपका एग्जाम सिटी आएगा वो आप अच्छे से चूज़ कर लीजिएगा। फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपसे पूछा जाएगा तो आपको कहाँ एग्ज़ाम देना वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह आपको करेक्ट डालना है इसमें, ठीक है। जो भी आप फोटो वगैरह लगाएंगे वो, चाहे सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो 50 से 1000 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है पूरा इंस्ट्रक्शन आपको बताया होगा। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जा करके इस फॉर्म को भरना है 19 जनवरी 2020 से पहले पहले रात के 12 बजे, ठीक है। उससे पहले पहले आपको भर लेना है और आपको अपने सारे काम कर लें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। 1,000 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा जनरल ओबीसी के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसको दी हुई है, इस फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी होगा तो यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क का भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। helpdesk@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, और साथ ही मोबाइल नंबर भी आपको दिया हुआ है 0222
6820274 पे आप कॉल कर सकते हैं 10 से शाम के 5 बजे तक, ठीक है, वर्किंग डेज में। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी KVIC यानी कि खादी विलेज उद्योग के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपकी विभिन्न पोस्ट थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद हो, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा एक नई वैकेंसी के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय।